तो गाइस फाइनली हमारे एक न्यू असेंबली बन चुके हैं जिसका नाम है जीरो असेंबली। और भाई ये काफी मस्त असेंबली होने वाली क्योंकि इसमें प्लगइन ऐड है जो लाइफ स्टील का प्लगइन, मतलब अगर किसी बंदे को मारेंगे तो उसका एक हार्ट हमें मिलने वाला है। तो यार काफी मजा आने वाली इस असेंबली में, थोड़ा से शुरू करते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को भी असेंबली में ज्वाइन होना है तो तुम हो सकते हो, बाद में बताऊंगा तुम कैसे हो सकते हो ज्वाइन। थोड़ा से वीडियो स्टार्ट करते हो और भाई यहाँ पर आते ही मेरे एक प्लेयर ने मेरा स्वागत कर दिया भाई मार मार के। यार इसको भी मेरा हार्ट चाहिए लगता है भाई, और हमें यहाँ पे नेचुरल डेट से हार्ट ड्रॉप नहीं होने वाला है। थोड़ा से भागते और भाई पानी के अंदर भागते फटाफट से यहाँ पर निकलते हैं यहाँ से। भाई देखो यार ये बंदा पानी के अंदर ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था भाई, बहुत बड़ी मुश्किल से भागा हूँ यहाँ से। और भाई सामने की साइड में बहुत सारे ट्री है तो एक ट्री को कट करके भाई बेसिक रूल तो हमें बनानी पड़ेंगे, वुड वगैरह बनाते बराबर से। तो यहाँ मैंने ट्री को पूरा कट कर दिया, यहाँ पे वुड की पीछे मैंने बना लिया है। अभी अपने ग्राफ्टिंग टूल उठाते फटाफट से यहाँ से। भाई एक एक्स नहीं बनाई मैंने, डायरेक्ट स्टोन की टूल बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोई वुड की टूल बनाया नहीं है। और भाई इधर एक माइन भी है लेकिन इधर भाई प्लैंक लगे हुए, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा खासा लूट तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कोबल स्टोन, वो तो हमें मिल ही जाएगा यहाँ पे। फटाफट चलते नीचे साइड में, भाई मेरे पास पहले ही हार्ट नहीं है तो यहाँ से माइन करके कर नीचे साइड चलते हैं। और भाई भाई यहाँ पे कोई मॉब वगैरह नहीं होना चाहिए यार, मेरे पास पहले ही बिल्कुल हेल्थ नहीं है भाई। यहाँ थोड़ा सा थोड़ा बहुत कोबल स्टोन माइन कर लेता हूँ मैं क्योंकि अपने बेसिक टूल बनाएंगे। तो यार वहाँ से मैं थोड़ा बहुत कोबल स्टोन माइन कर आगे आ चुका हूँ। भाई यहाँ पे एक रवीन है लेकिन भाई इधर भी कोई मतलब नहीं, पहले यहाँ पे प्लैंक लगे हुए, मतलब यहाँ पे किसी ने लूट लिया यहाँ से। तो फटाफट चलते आगे साइड में इसको इग्नोर करके। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई एसएमपी है तो मैं इसमें अकेला क्यों घूम रहा हूँ, दरअसल तो बाकी के प्लेयर कहाँ हैं, तो यार बता दूँ तुम लोगों को एसएमपी एक दिन पहले स्टार्ट हुई थी, मैं इसमें थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ। तो इसलिए बाकी सेफ हर बंदे भी ऑफलाइन है और मैं थोड़ा बहुत ऑफलाइन इसलिए आया क्योंकि मेरे को मार्केट में हार्ट ना ले ले, इसलिए फटाफट चलते हैं अपने एसएमपी के अंदर। यहाँ पर ऐसे घूमते घूमते मुझे ओशन के अंदर एक बड़ी सी रून पटक मिली थी भाई, मैं इसको देख के काफ़ी खुश हो गया था, मुझे लगा भाई इसके अंदर मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। लेकिन भाई जब मैंने इसकी चेस्ट ढूंढी और उसको चेक किया तो भाई इसको कोई पहले से लूट के जा चुका था, तो भाई मैंने इसको भी इग्नोर मारा। और भाई मेरे को यहाँ पे पास ही में रवीन मिली थी तो फटाफट वापस रवीन के अंदर जाता हूँ यार। तो भाई ये रही वो रवीन, और भाई इसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा आयरन वगैरह दिख रहा था, मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको मैं नीचे ना गिर जाऊँगा बस। मैं यहाँ पे देखो भाई मेरे को आयरन वगैरह दिख रहा है नीचे साइड में, ये देखो मैं दिख रहा हो तो पता नहीं। तो यार वापस फटाफट से चलते नीचे साइड में, लेकिन मैं नीचे जाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो यहाँ साइड में ऑप्शन है भाई फटाफट से यहाँ से कुछ यहाँ से पानी डाल के नीचे चलेंगे। भाई वाटर बकेट भी नहीं है अपने पास अभी, तो यहाँ से मैं थोड़े बहुत ब्लॉक माइन कर लेता हूँ जिससे पानी नीचे की साइड जा सके। तो भाई पानी जा रहा है भाई, मैं पानी के साथ साथ नीचे जाता हूँ और भाई नीचे होप करता हूँ भाई मेरे को कुछ अच्छी से लूट। भाई राजू लेफ्ट हो गया भाई, भाई यार कभी बंदे आ रहे जा रहे भाई पता नहीं क्या चल रहा है इनका। तो थोड़ा से नीचे साइड चलते हैं अपन। तो यहाँ पे काफ़ी सारा आयरन मेरे को दिख रहा है तो मैं आयरन माइन करता हूँ, नहीं सामने साइड में आयरन दिख रहा है और भाई इधर नीचे साइड में भी आयरन है, इसको भी माइन कर लेता फटाफट से। तो भाई यार मैं माइन से काफ़ी सारा आयरन माइन करके बाहर भी आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी सारे काऊ वगैरह मिली थी इन्हें मार के, मैं थोड़ा बहुत खाना भी इकट्ठा कर लिया तो मैं दोनों की स्मेल्टिंग पे लगा रखा था, यहाँ पे थोड़ी बहुत इनको स्मेल्ट गुंदे थे। फिर यहाँ से चलते वापस स्पॉन के यहाँ पर, वहाँ पे बिल्ड बनाते हैं अपने। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने आयरन के टूल वगैरह सब बना लिया और आयरन का आर्म बना लिया है। और भाई जिसकी अचीवमेंट देखे भाई चिल्ला रहा है भाई, ओहो भाई अपन प्रो प्लेयर है भाई, अपन पहले दिन आते ही एसएमबी को फाड़ देता है पूरा। तो बड़ा चलते अपने स्पॉन के यहाँ पर, देखते हैं अपन को अपना घर वगैरह कहाँ बनाना है या फिर शॉप बनाएंगे, शॉप भी बनाएंगे देखेंगे अपन को कहाँ बनाना है। बड़ा चलते अपने स्पॉन के यहाँ पर अपन, तो अभी मैं स्पॉन पे तो आने वाला हूँ भाई सामने। भाई भाई ये क्या बना दिया यार किसी ने, भाई ये क्या चीज़ है यार इसके अंदर, भाई बेल लगी है बाहर भाई, घंटा नहीं दबाऊँ भाई बेल को यार, अंदर चलते भाई। भाई जाने दे भाई, क्या है भाई ऊपर स्लैब लगा रखा है भाई, अंदर जाने देना भाई, बनाया है क्यों है तो इसको तोड़ के भाई अंदर चलते भाई, देखते अंदर है क्या भाई, क्या भाई क्या। ओ भाई इधर अंदर विलेजर, भाई विलेजर कौन लेके आएगा भाई इतनी जल्दी, मुझे तो भाई कहीं विलेज नहीं दिखा भाई आसपास में। इसको वापस पैक कर दे विलेजर, भाग ना जाए भाई क्योंकि भाई यहाँ पे स्पॉन की बिल्ड तोड़ना बिल्कुल मना है भाई, रूल्स के खिलाफ है ये, ना ही इसके सामान अपन लूट सकते हैं। और भाई इधर किसी ने फार्मिंग भी की, और भाई इधर बेरीज भी लगा दिए यार, बेरीज ले रहे थे अपने खाने में काम आएंगी। और भाई किसी ने यहाँ पे माइन बनाई है भाई, माइन के अंदर चल के देखते भाई अपन को कुछ काम का मिल जाए यहाँ पर। तो भाई भाई क्या, अच्छा भाई इधर माइन बन रखी है भाई, फटाफट चलते। तो भाई यहाँ पे माइन पूरे अंदर भी नहीं लेके गया है भाई, आधी दूरी छोड़ दी है इसने। तो फटाफट से ऊपर पर आ चुका हूँ और भाई यहाँ पर सोच रहा हूँ भाई अपना घर वर बनाने की, यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्नेस में लगा आयरन स्मेल्ट करने की लगा देता हूँ मैं, पैसे वुड कलेक्ट करनी है मैं भाई, मेरे पास आयरन की एक्स नहीं है, थोड़ा सा आयरन को स्मेल्टिंग में लगा देता हूँ। और भाई यहाँ पर एक आयरन की एक्स बना के वुड कलेक्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने आयरन की एक्स बना लिया, फटाफट से यहाँ पर वुड कलेक्ट करने का काम शुरू करते हैं भाई। इससे पहले अपने थोड़ी बहुत पेट पूजा कर लेते हैं यार, समझा करो तुम भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वुड कलेक्ट करने का काम भी शुरू कर दिया, फटाफट से सारी वुड कलेक्ट कर लेते हैं अपन, काफ़ी सारी चाहिए होगी भाई घर बनाने के लिए। तो यार मैंने काफ़ी सारे वुड भी कलेक्ट कर लिए है। और भाई मैं यहाँ पे लोकेशन देख रहा था भाई घर बनाने के लिए, और भाई मेरे को यहाँ पे भाई यहाँ पे पूरा जंगल, भाई एप्पल है भाई, एप्पल उठा लेते हैं सबसे पहले, इधर राजा भाई जेब में। और भाई यहाँ पर यहाँ सामने किसी ने विलेजर रोल बना रखा है, और यहाँ पे भाई मेरे को ये जगह थोड़ी बहुत ठीक लग रही है अपना घर बनाने के लिए। तो भाई ये जगह मैंने यहाँ पे प्लेन कर दी है पूरी भाई यहाँ पर।
पर भाई फिर यहाँ पे भाई खड्डा किसने कर रखा है यहाँ पे, क्रीपर वगैरह फोड़ रखी है, तो फटाफट से इसको पूरा फिल करता हूँ मैं यार। अपने आस पास जगह भाई बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए, समझा करो। तो मैं अभी यहाँ पे मेरा प्लेन चेंज कर दिया भाई, क्योंकि यार मेरे को पहले घर बनाना नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले अपना एक सीरेट बेस बना लेते हैं, उससे फिर मटेरियल मिलेगा, वहाँ पे अपन अपने शॉप बना लेंगे। यहाँ पर दो हज़ार यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि भाई दिस प्लेस बिलोंग्स टू दीपक, और यहाँ पे मैंने भाई बाद में फ्यूचर में अपन अभी यहाँ पर अपना एक शॉप बना देंगे यहाँ पर भाई, अपने बनाने वाला अपना सीरेट बेस। और भाई मैं तुम लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ कि मैं सीरेट बेस बना कर रहा हूँ आखिर। भाई मैं नहीं चाहता भाई मेरे सीरेट बेस की लोकेशन रिवील हो, तो मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। तो भाई मैं लोकेशन देख लिया अपने सीरेट बेस बनाने के लिए, और भाई यहाँ पे अपना सीरेट बेस का काम शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पर बनाएंगे अपन, तो यहाँ पे मैंने अभी एक रूम भी बना दिया है यहाँ पर, थोड़ा बहुत इसको एक लेयर और डीप लेके चलते हैं फटाफट से। तो यार यहाँ पे मैंने अपने एक रूम तो बना लिया यहाँ पे सीरेट बेस के लिए, और भाई यहाँ पे फ्लोरिंग करने की मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भाई रेंडमली कुछ ब्लॉक्स तोड़ के यहाँ पे कॉबल स्टोन और यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स लगा दूंगा मैं। तो यार अभी क्योंकि मेरे पास फ्लोरिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसे ही रेंडमली कुछ फ्लोर बना देते हैं मैं यहाँ पे, रेंडमली कहीं पे खोद खोद के यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स वगैरह लगा दूंगा अभी। तुमको बनाने के बाद मिलता हूँ लोगों। तो यहाँ पे मैंने रेंडमली यहाँ पे पूरा सेट कर दिया, यहाँ पे देखो ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है ये। तो यहाँ पे अपना सीरियल वेस को थोड़ा सेटअप करते हैं भाई, यहाँ पे ऊपर जाने की लेडर्स भी लगाने, तो थोड़ा थोड़ा सबसे पहले मैं यहाँ पे लेडर्स लगाता हूँ वहाँ ऊपर जाने के लिए भाई, बार बार ब्लॉक्स लगा के ऊपर नीचे जाना नहीं सकता मैं, तो थोड़ा से यहाँ पे ऊपर जाने के लिए अपन यहाँ पे लेडर्स लगा देते हैं। और चल रहे यार फटाफट से अपन काम ज़्यादा शुरू करते हैं भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है यार वीडियो बनाते बनाते, और भाई ऊपर चल रहे फटाफट से। तो यार मैंने ऊपर तक लेडर्स भी लगा दिए, और भाई तुमको शायद अगर कोई भी माइनक्राफ्ट का प्रो होगा तो उसे पता चल जाएगा भाई मेरा वाई कोऑर्डिनेट कितना है इस बेस का, तो मुझे कमेंट जरूर बताना कि तुम पता चला या नहीं चला। तो यार यहाँ पे मेरे को कुछ आयरन वगैरह मिले थे मेरे को माइन करते हुए, और यहाँ पे थोड़ी बहुत चेस्ट बना लेते हैं भाई, क्योंकि यार सामान यहीं पे रखने वाला हूँ मैं भाई। सीडी सीडी प्लेस भाई, यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है भाई मिस्टर डिबेल, तो यार यहाँ पे सीरियल बेस का सारे सामान भाई हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देता हूँ, मेरे को जो जो नहीं चाहिए अभी या फिर चाहिए होगा बाद में, जो भी मेरे को इन्वेंट्री में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर सारा सामान तो इसमें रख दिया है। और भाई यहाँ पर वुड वगैरह भी थोड़ी बहुत, और इसमें मेरा थोड़ा बहुत फालतू सामान रखा है मैंने, और यहाँ पे पनेस वगैरह कोबल स्टोन स्मेल्ट हो रहा है इसलिए मैंने तोड़े नहीं है, यहाँ पे मेरा कोल वगैरह वेस्ट हो जाएगा वरना। भाई थोड़े बहुत कोबल स्टोन निकाल के और रख देता हूँ, मेरे फ्यूचर में काम आएंगे भाई स्टोन, तो यहाँ से मैं थोड़े बहुत कोबल स्टोन निकाल के स्टोन बनने के लिए स्मेल्ट में रख देता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने अभी सारा फाइनल सब कुछ यहाँ पे सेट आउट कर दिया है, यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ से वुड ले लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, थोड़ी बहुत वुड ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आयरन भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्टोन ले लेता हूँ, डर्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं यहाँ से पूरा सीरेट बेस बाहर से बंद करने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए भाई किसी यहाँ पे कि मेरा सीरेट बेस है। तो यहाँ से चलते फटाफट से भाई, थोड़ा बहुत कोल भी ले लेते हैं साथ में यार, चाहिए होगा बाद में वहाँ पे वापस कौन माइन करने जाएगा यार। फटाफट से यहाँ पे सारा निकाल लिया मैंने अभी वापस से, भाई सीरेट बेस को पूरा बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से, कोई आने पिछले को पता नहीं चलना चाहिए। तो अभी वापस स्पॉन में तो आ चुका हूँ, लेकिन बात कर लेते कि भाई तुम लोग इस असेंबली में कैसे ज्वाइन हो सकते हो, उसके लिए तुम एक एप्लीकेशन वीडियो बना सकते हो जिसके अंदर तुम बता सकते हो तुम्हारी क्वालिटी, जैसे कि तुम बिल्ड कैसा करते हो, तुम्हारी पीवीपी स्किल कैसी है, या फिर कुछ रीजन दे सकते हो कि तुम असेंबली में क्यों ज्वाइन होना चाहिए। ऐसा मुझे उस वीडियो को मेंशन कर देना था कि मैं उस वीडियो में तुम्हें कमेंट करके बता सकूं कि भाई तुम असेंबली में ज्वाइन हो सकते हो या फिर नहीं। तब तक के लिए भाई मिलता है अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।